मानव जाति का पूर्वज इतिहास की माता पुराणों की दादी तथा परंपराओं की बरदानी सुप्रभात। मैं भटिया सेंट मेरी स्कूल अमरेली से आज आप सबका स्वागत करते हुए आज आप सबसे कुछ अहम बात करने आई हूँ। विज्ञान नाम सुनते ही अमेरिका, रशिया, चाइना आदि आदि देशों के नाम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता भी है भारत ही ऐसा देश है जिसने विज्ञान की खोज की थी। पुष्पक विमान विमान की खोज की ख्याति राइट ब्रदर्स को या राइट ब्रदर्स को दी जाती है, लेकिन पुष्पक विमान जो रामायण में लिखा गया है वो एक भारतीय खोज नहीं तो और क्या है। और पहला लाइव टेलीकास्ट जहां पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठा बैठा दिखाई दे रहा था। और टीवी के बगैर तो आज हम रह ही नहीं सकते। हनुमान चालीसा में कहा गया है युग सहस्त्र जो जन पर भानु, इससे हमने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ढूंढी थी जो आज की आधुनिक गणना के मुताबिक 100% सत्य है। क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी के बारे में तो महाभारत में पहले से ही वर्णन किया गया है। परमाणु जिससे पूरी दुनिया बनी है उसकी खोज ऋषि महर्षि कर्ण ने कई सालों पहले ही कर दी थी। इतिहास कॉर्पोरिक्स को सौरमंडल की खोज करने का श्रेय देती है, लेकिन वेदों में पहले ही सूर्य की केंद्र स्थिति तथा पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करने की बात की गई है। और पाई की वैल्यू तो यूरोप के लंबन के पहले ही भारत के महान गणतज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी 23 साल की उम्र में कर दी थी। मानव जाति का औषध विज्ञान और चिकित्सा यानी सर्जरी का सबसे पुराना तरीका शुश्रुत द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शुश्रुत संहिता जिसमें 1100 पीड़ाओं के बारे में लिखा गया था और 700 मेडिसिनल पुस्तक भी थे। उनके पास ऐसे साधन थे जो एक बाल में से दो बाल कर सकते थे। और आजकल मंगलयान, चंद्रयान और शक्ति सैटेलाइट हमारे देश का गौरव बढ़ाती है। अगर हम पूरी तरह से देखें तो हमारा भारत सब चीजों में आगे है, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी शास्त्र, गणित और शौर्य, साहस और बलिदान में तो हम सबके बाप है बाप। अगर हम पूरी तरह से देखें तो मेरा भारत तो अमेरिका, रशिया, चाइना सबसे उन सबसे एक बड़ा सुपर पावर है। और हमारा भारत एक सुपर पावर था, है और हमेशा रहेगा। बस अब अंत में यही कहना चाहती हूँ कि नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती है, दाना लेकर